तो गाइस कुछ दिनों पहले की बात है मेरे साथ। यार वेट वेट, यहाँ पे ये मोटू क्या करे साले, मेरे को यहाँ पे छोड़ लेने दे। तो गाइस मैं गेम खेल रहा था। अब आप ऐसा मत बोलना कि मैं चश्मा लगा के गेम खेल रहा था। आप उस पर फोकस मत करो, आप स्टोरी पे फोकस करो गाइस। मेरे को हम 1887 ऑन की 40 के अंदर गाइस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था गाइस। हाँ मैं बहुत ज़्यादा इस दोनों के गनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था। और मेरे को इतना दुख हुआ कि मैं बेड से गिर के मेरे को इतनी चोट लगी गाइज, तो मैं यहाँ रख नहीं पाया। और आप देख सकते मेरे को 40 भी नहीं आई। तो आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ था गाइज कुछ दिनों पहले। यार हम 1887 अभी 40 शॉट गन अभी 40। यार थॉमसन भी है, दोनों यार मिड रेंज क्या करेंगे यार। क्या लूँ दोनों में से कौन से। अरे यार ये कौन आ गया, अरे बंदा बंदा, अरे यार क्या से गन लूँ। अरे यार शिट, यार देखा ना साले मार के चले गए, ऐसे थोड़ी होता है गाइज। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा शॉट गन या फिर 40 इन दोनों में से कौन से बेस्ट गन है। यार इसी बात को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिल लेंगे मस्त मस्ती। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट पे टपाटप हेड शॉट। तो गाइज सबसे पहले ये है टपाटप हेड शॉट। आपको कौन सी गन से किस से हेड शॉट मारना है, जैसे क्या होता है अभी 40 से बहुत अच्छे से लगते हैं। और हम एक मतलब शॉट गन से गाइज अगर एक गोली हेड पे चली गई तो बंदा खत्म हो जाएगा। अगर वो गोली एक हेड पे नहीं गई तो आप समझ सकते क्या होगा। आपको गाइज पता ही है शॉट गन को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज में चलाना पड़ेगा। और आपको बताया अभी हमारे शॉट गन की ऐसी कैसी कर चुके हैं फ्री फायर वाले, इसकी रेंज की ऐसी कैसी कर चुके हैं। अपनी 40 गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेंज है इसके अंदर, अगर हेड बहुत अच्छे लगते। अगर आप पूरी स्क्वाड खाना है तो आप अपनी 40 को चूज़ कर सकते हैं। आप जैसे कि आप बोल सकते हो हम शॉट गन से स्क्वाड पूरा खा सकते हैं, बट यार लगातार हेड मारना यार कोई बच्चों की बात थोड़ी ना है। हर गोली हेड पर जाइए थोड़ी होता है, अगर हेड पर जाएगी तो कुछ नहीं बात है, अगर हेड पर ना जाए तो सोच लीजिए। अगर आप दोनों में से कौन से भी गन के साथ अच्छे हेड मार सकते हो तो आप उससे चूज़ करो। मैं तो बोला यहाँ पे 40 से बहुत अच्छे हेड लगते हैं यार, ट्रे कर सकते हैं उसमें लगातार हमें गोलियाँ देखने को मिलती है। और इसमें सिर्फ एक गोली आती है, दूसरी गोली पर पिलो बढ़ा जाता है। इससे अच्छा गाइस एम पी 40 से बहुत अच्छे हेड शॉट लगते हैं, उससे आप प्रीफर कर सकते हैं। मेरे को तो ये अच्छी लगी है। तो हाँ गाइस एम पी 40 इज़ द बेस्ट रिस्क और रिस्क रेंज एंड रिस्क गाइस, मैं रिस्क बोल रहा ना रिस्क। तो आप इस रेंज और रिस्क गाइस अब इसकी बात करते हैं। आपको जैसे को पता है हमारे शॉट गन के अंदर रेंज कितनी है, यानी 30, मतलब आपको इसको शॉट के अंदर जाके मारना पड़ेगा। मिड एम रेंज के अंदर आप इसको जाके नहीं मार सकते, मिड रेंज के अंदर आप मारोगे तो आपकी गाइस पता है वाइड डैमेज पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा शॉट में जाओगे उधर पता है आपको ज़्यादा शॉट में जाने से हेड शॉट बहुत कम लग जाते हैं, क्योंकि हमारा एम लॉक हो जाता है। और अपनी 40 की आप पता है लॉन्ग रेंज के अंदर भी ओके चलती है, लॉन्ग तो नहीं मिड रेंज के अंदर शॉर्ट रेंज के लिए अच्छी चलती है, इसलिए हम अपनी 40 को मिड रेंज के अंदर मार सकते हैं। अगर हमारे पास मिड रेंज के अंदर अपनी 40 मारे और शॉर्ट रेंज के अंदर अपनी 40 ले जाए उस हमारे पास शॉर्ट गन हो तो यार वक्त क्या बैंड बजेगा, आपको पता है क्या ऐसी तैसी करने वाला है। अगर मेरे को इन दोनों में से अच्छी 40 की रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसकी रेंज भी हेड शॉट भी मारने में मजा आएगा, मस्ट ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी मैं एमपी 40 को प्रिफर करने वाला हूँ, आप चाहे तो कोई से भी ले सकते हैं आप जो आपको पसंद। आप ये अच्छी चलाते ये लीजिए वो अच्छी राय बोलिए, ये तो रटी है। हाँ गाइस ये तो रटी है, जो आप नहीं चला सकते वो तो रटी है, जो चला सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि आपको पता है एमपी 40 के अंदर आपको कैसा चलने को, जैसे कि आपको हम शॉट गन है उसके अंदर हम एक गोली चलाते हैं वो बंदे को नहीं लगती है, दूसरी चलाते हैं अगर वो भी ना लगे तो आप समझ जाइए बंदा आपके ऊपर कैसे टूट के पड़ेगा, जैसे कोई भूखा शेर है। हाँ गाइस और हर गोली हेड पे लगना क्या बोल सकते हैं। अगर मान लो आपकी पहली गोली हेड पे नहीं है उसका वाइड डैमेज चला गया और दूसरी का भी वाइड डैमेज जाना ही है आपको शॉट गन का, तो बताइए आप ब्रेक तो ज़्यादा कर आप बंदे से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ब्रेक की जगह नहीं हेड शॉट की जगह वन टैप की जगह ब्रेक मार देते हैं, इसलिए हमें बंदे मार देते। और आपकी 40 का आपको पता है वाइड डैमेज भी जाएगा ना, तो भी आप बंदे को पूरा खत्म कर दोगे जब तक इसका रिलोड है। और आपको पता है इसकी दो गोली के बाद डायरेक्ट रिलोड आ जाती है शॉट गन की, और एमपी 40 के अंदर भी रिलोड आ जाता है। पर गाइस एमपी 40 का गाइस रिकॉइल भी बहुत होती है एमपी 40 आई, रिकॉइल तो गाइस आप रोक सकते हो प्रैक्टिस करने से, इसका आप रिलोड को कैसे रोकोगे, चाहे कुछ भी हो जाए रिलोड तो आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए रिलोड तो दो गोली होने के बाद रिलोड तो आएगा ही, चाहे जान चली जाए। हाँ गाइस जैसा हो वैसा करना पड़ेगा, चले तो बढ़िया बना घटिया। हाँ गाइस जो गन अच्छी आपसे चलती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और जो नहीं चलती वो रखती है वो बेटिया है आपके लिए है। सबसे जो आप सबसे से चला सकते मान लो आप दो गोली से इतने मस्त हेड शॉट मारते हर गोली हेड पे जाती है तो आपके लिए सब बहुत बढ़िया है। अगर हम की 40 से आप हर गोली हेड पे जाती है सिर्फ हेड हेड में जाती है तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। अगर आप मान लो हम की 40 चलाते हो दो गोली वाले लोगे तो आपके लिए वो घटिया है, ऐसे ही हो जाए आप इसका रिलोड तो नहीं रोक सकते। पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ट्रेनिंग के अंदर और आप
दो गोली से पहले एक गोली पे हेड मार दो, क्या टेंशन है। उसका रिकॉइल तो आपके पास स्किन ने दिया थी, रिकॉइल आप वो भी ले सकते हो। गाइस मिलते रहेंगे ऐसे मस्त वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।